सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जिसमें हम फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको स्टॉक्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है, या फिर कंपनीज को कंपेयर करने में हेल्प करता है, या आपकी खुद की कंपनी की परफॉर्मेंस आप जज करना चाहते हैं उसके अंदर ये सारे रेशियोज आपको हेल्प करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक डिस्कस करेंगे, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्विटी आपकी ओनरशिप होती है। तो शेयर होल्डर्स की जितनी ओनरशिप है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो शेयर होल्डर्स की एक कैपिटल है, उन्होंने कुछ पैसा लगाया है, तो उनको अपने पैसे पे कितने रिटर्न्स मिलते हैं किसी एक पर्टिकुलर साल में, उसी को हम रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। अब रिटर्न ऑन इक्विटी भी दो तरीके की हम जनरली कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एक होती है आपकी रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी, मतलब टोटल शेयर होल्डर्स की जितनी इक्विटी है। दूसरी होती है आपकी रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, मतलब प्रेफर्ड इक्विटी हम उसमें से हटा देते हैं तो हमारी रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी निकल के आ जाती है। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी हम दोनों ही देख लेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होती है इनकी, और साथ में हम इसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे। देखिए, ये रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बताता जरूर है कि आपकी इक्विटी कैपिटल पे आपको कितने रिटर्न्स मिले, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इनफैक्ट 2008-09 के अंदर इसी चीज को काफी एक्सप्लॉइट किया था कुछ कंपनीज में, जब सब प्राइम क्राइसिस आ गया था, तो उसके अंदर लोग बेसिकली इक्विटी रिटर्न्स ज्यादा दिखाने के लिए डेट बहुत ज्यादा ले लेते थे। तो ये कैसे फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग होती थी, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैपिटल रेज करने के किसी भी बिजनेस में दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका इक्विटी और दूसरा होता है आपका डेट। अब ये इक्विटी के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मैंने ग्रीन कलर से लिखे हैं और डेट हमारा हो गया रेड कलर में। तो इक्विटी भी रेज करने के तीन मेन तरीके हैं। तो एक तो हो गया आपका इनिशियल इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आप इनिशियल पैसा डालते हैं, जो ओनर्स या इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं। फिर दूसरा, कंपनी में कैश के रिजर्व्स इकट्ठे होते हैं। मान लीजिए 4-5 साल से कोई कंपनी काम कर रही है तो उनके कैश रिजर्व्स होंगे, तो कैश प्लस हर साल प्रॉफिट कमा रही है तो ये सब ऐड होते जाएंगे तो ये रिजर्व्स हो जाते हैं। तीसरा होता है आपका फ्रेंड्स और फैमिली से अगर आपने कुछ पैसा जनरेट किया है, या फिर हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजिक आपके इन्वेस्टर्स हों जिनको आप प्रेफर्ड स्टॉक दे देते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि भाई कॉमन शेयर होल्डर्स को बाद में पैसा मिलेगा, रिटर्न्स बाद में मिलेंगे, पहले हम आपको रिटर्न्स दे देंगे, तो वो हो जाती है आपकी प्रेफर्ड इक्विटी। अब ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इसे हम कहते हैं कॉमन इक्विटी। तो जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं और उनके जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं वो आपके कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस स्टार्ट होता है और उसके अंदर लेट से 4 करोड़ रुपए की टोटल कैपिटल है, तो उसके अंदर इनिशियल इक्विटी शेयर कैपिटल लेट से 1 करोड़ की थी, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस लेट से 50 लाख के हैं, प्रेफर्ड इक्विटी 50 लाख की है और बाकी का जो पैसा है 2 करोड़ वो डेट से रेज किया गया है, तो लेट से ये जो लोन लिया गया है ये 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है, तो यहां पे मैं 10% इंटरेस्ट रेट लिख देता हूं, और लेट से ये जो प्रेफर्ड इक्विटी है इसको 15% इक्विटी रिटर्न्स देने हैं, बेसिकली ये डिविडेंड्स देने हैं। कंपनी ने ये प्रॉमिस किया है जो भी प्रेफर्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको 15% के डिविडेंड्स मिलेंगे। चलिए अब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए ये कंपनी, इसका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस है, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ये 80 लाख रुपए आता है। इसके ऊपर ये ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट कितना है 2 करोड़ का, 10% के हिसाब से ये 20 लाख बन जाता है। फिर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, 80 में से 20 गए 60 लाख, लेट से 30% का हम टैक्स रेट मान लेते हैं, तो 30% 60 लाख का 18 लाख बन गया और ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आया वो 42 लाख रुपए निकल के आ गया। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है इसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। तो अब देखिए, हमें क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है तो हमें बेसिकली कोई चीज किसी चीज से डिवाइड करनी है, x डिवाइडेड बाई y करना है। अब y तो डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियसली इक्विटी होगा यहां पे, क्योंकि हमें इक्विटी के ऊपर रिटर्न्स निकालने हैं। अब सवाल उठता है कि यहां पे न्यूमरेटर में क्या जाएगा, तो न्यूमरेटर के अंदर आपका या तो ये ईबीआईटी आ सकता है या पीबीटी आ सकता है या पैट आ सकता है। अब हमें इसमें कौन सा प्रॉफिट लेना है, तो अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमें एक प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले तो हमें डेट की पेमेंट करनी होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है,
सेकंड नंबर पे टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, थर्ड नंबर पे प्रेफर्ड इक्विटी को रिटर्न्स मिलते हैं, और फोर्थ नंबर पे कॉमन इक्विटी को रिटर्न्स मिलते हैं। अब हम यहां पे क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो टोटल इक्विटी कितनी है हमारी, ये सारी की सारी टोटल इक्विटी है। प्रेफर्ड इक्विटी की अभी हम अलग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी नहीं निकाल रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब हुआ कि हमें एक तो इंटरेस्ट पे कर देना है, दूसरा हमें टैक्स पे कर देना है, लेकिन प्रेफर्ड इक्विटी को रिटर्न अभी पे नहीं करने हैं, क्योंकि हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन टोटल इक्विटी निकाल रहे हैं। तो दैट मींस यहां पे ये जो एक्स होगा ये आपका बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, तो हमें ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है न्यूमरेटर में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई आप टोटल इक्विटी कर देंगे। तो अगर हमें इसको निकालना होगा तो 42 लाख आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिवाइड आप टोटल 100 लाख, 50 लाख और 50 लाख को ऐड कर देंगे, 200 लाख की आपकी टोटल इक्विटी आ गई, तो आपके 21% के रिटर्न ऑन इक्विटी आके निकल के आ गया। अब देखिए ये तो हो गई रिटर्न ऑन इक्विटी की, मतलब जो टोटल इक्विटी के शेयर होल्डर्स हैं उनको कितने रिटर्न्स मिले उनकी इन्वेस्टमेंट पे। उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की थी, उस पे 42 लाख का प्रॉफिट आया तो 21% के रिटर्न मिल गए। अब लेकिन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई अगर लिस्टेड कंपनी है तो हमें खाली कॉमन इक्विटी से मतलब है, तो हम रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी निकालना चाहते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अब देखिए डिनोमिनेटर में तो आप नेचुरली यहां पे क्या करेंगे, हमने यहां पे इक्विटी लिया था तो अब यहां पे आप कॉमन इक्विटी कर देंगे। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह आप क्या करेंगे, अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपको ये जो प्रेफर्ड इक्विटी का डिविडेंड्स हैं ये भी पे करना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी में क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप प्रेफर्ड इक्विटी के डिविडेंड्स माइनस कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाई आप कॉमन इक्विटी कर देंगे। तो अब अगर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया हमारा 42 लाख रुपए, माइनस हम कर देंगे प्रेफर्ड इक्विटी के डिविडेंड्स। प्रेफर्ड इक्विटी के डिविडेंड्स कितने हैं, 15% ऑफ 50 लाख, तो 0.15 इंटू 50 लाख कर दूंगा, ये हमें माइनस करना है 42 लाख में से। इस टोटल को हमें डिवाइड करना है कॉमन इक्विटी से, कॉमन इक्विटी कितनी है हमारी, प्रेफर्ड इक्विटी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 100 लाख प्लस 50 लाख, तो ये हो गया हमारा 150 लाख। अब हमें ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये करीब आ जाएगी आपकी 34.5 लाख आपका ऊपर आ गया और नीचे हो गया 150 लाख, तो ये आपके रिटर्न्स निकल के आ गए 23%। तो अब देखिए कॉमन इक्विटी के रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, 23% के रिटर्न्स आ रहे हैं, बजाय टोटल इक्विटी के अगर हम कंपेयर करें दोनों रिटर्न्स को, तो कॉमन इक्विटी के रिटर्न्स इसीलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि प्रेफर्ड इक्विटी के रिटर्न्स यहाँ पे कम हैं, 15% के ही रिटर्न्स हैं। तो इस तरीके से आप रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी को ज्यादा दिखाने के लिए, देखिए अब नेचुरली कंपनीज दिखाना चाहती हैं कि भाई इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स ज्यादा से ज्यादा दिखा सकें, तो उसके अंदर कई बार री इंजीनियरिंग करने की कोशिश करती हैं कंपनी। देखिए एक तो नेचुरल तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, आप इस न्यूमरेटर को बढ़ा सकते हैं, अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक नेचुरल तरीका है, आप बेसिकली अपनी कंपनी के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, आप उतनी की उतनी कैपिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेंगे, तो वो तो एक नेचुरल तरीका है। लेकिन कंपनीज ये करने की बजाय, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ाने की बजाय, कई बार इक्विटी को घटाना शुरू कर देती हैं, ये होती है आपकी री इंजीनियरिंग। तो इक्विटी को कैसे घटाते हैं, देखिए अब आपको कैपिटल तो 4 करोड़ की चाहिए, तो अगर आप इक्विटी घटाएंगे तो आपको ये डेट बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे इक्विटी घटाने के चक्कर में वो डेट बढ़ाते चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेट बढ़ाने से सच में कोई फायदा होता है क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ती है तो कौन से केस में बढ़ती है, घटती है तो कौन से केस में घटती है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक कैपिटल स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, कि हमारी भाई 50% तो इक्विटी है 2 करोड़ की और डेट हमारा 2 करोड़ का है, तो ये आपकी 50% हो गई, तो टोटल 4 करोड़ का, इस तरीके से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बना। दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हैं, कंपनी सोच सकती है कि भाई हमें क्योंकि इक्विटी घटानी है तो वो इक्विटी का पोर्शन घटा देती है, वो खाली 1 करोड़ का इक्विटी का पोर्शन रखती है 25% और डेट का पोर्शन वो 75% कर देती है, 3 करोड़ का डेट ले लेती है। तो ऐसे केस में देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो स्ट्रक्चर वन में तो हमारा सेम ही रहेगा सारा का सारा स्ट्रक्चर जो हमने पहले देखा था, कि हमारे 80 लाख के प्रॉफिट थे, 20 लाख का इंटरेस्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 42 लाख का था। स्ट्रक्चर टू के अंदर क्या होगा, आपका मान लीजिए ये
प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है ईबीआईटी वो तो सेम ही है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आपका इंटरेस्ट बढ़ गया क्योंकि आपने 3 करोड़ का डेट लिया है, तो आपको 30 लाख यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करना होगा। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 लाख हो गया, 30% का आपका टैक्स लगा, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस केस के अंदर 35 लाख हो गया। देखिए आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो घट गया यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि आपने इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया, लेकिन अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरीके से कैलकुलेट हुई इसके अंदर। तो अगर हमें रिटर्न ऑन इक्विटी निकालनी होगी तो हमने यहाँ पे तो देखा ही था कि आपने 42 लाख को 200 लाख से डिवाइड किया था पहले वाले केस में, तो यहाँ पे तो हमारी 21% आई थी। अब ये दूसरे केस में हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी आई, आप 35 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इक्विटी कितनी है हमारी खाली 100 लाख। अब आपने इक्विटी घटा दी यहाँ पे, तो अब देख रहे हैं आपकी ये रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी बढ़ गई, 35% के रिटर्न्स आ रहे हैं अब आपके। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये बेसिकली अच्छी इकोनॉमी चल रही है और अच्छे रिटर्न्स कमा रही है कंपनी, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है इसलिए हो रहा है। अब मान लेते हैं कि कंपनी थोड़ी सी बैड इकोनॉमी में चली जाती है, इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी खराब हो जाती हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। मान लेते हैं कि अब स्ट्रक्चर वन में अब खाली 25 लाख का ही बिजनेस कर पाती है, 25 लाख का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर पाती है कंपनी, और 20 लाख का इंटरेस्ट तो आपको तब भी भरना ही भरना है, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच जाता है इस केस के अंदर, कुल 3.5 लाख रुपए बच जाता है। तो आपके रिटर्न ऑन इक्विटी इस केस के अंदर कितने हुए, 3.5 लाख डिवाइडेड बाई 200 लाख हो गए। तो एटलीस्ट पॉजिटिव तो है, मतलब नेग्लिजिबल रिटर्न्स हैं बट एटलीस्ट पॉजिटिव है, कंपनी लॉस में नहीं गई है। अब हम स्ट्रक्चर टू के अंदर देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। 25 लाख के आपके सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट आपका ज्यादा है क्योंकि डेट काफी ज्यादा है, 30 लाख का अब आपका डेट बेसिकली इंटरेस्ट आ गया। तो अब आप 25 लाख में से 30 लाख माइनस करेंगे तो अब कंपनी लॉस में चली गई, सीधा 5 लाख का लॉस हो गया, और आपका टैक्स तो ऑब्वियसली जीरो लगेगा, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 5 लाख हो गया। तो अब ये 5 लाख कहाँ जा रहा है, ये बेसिकली आपकी इक्विटी इरोड हो रही है। ये जो 100 लाख की इक्विटी थी ना, जो हमने रिजर्व की भी बात की थी, तो 100 लाख में से आपके 5 लाख उड़ जाएंगे और ये जो इक्विटी है ये 95 लाख की रह जाएगी। तो बेसिकली अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी क्या आया आपका, बेसिकली नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया। तो जब कंपनी बैड इकोनॉमिक कंडीशंस में जा रही है और डेट बहुत ज़्यादा है तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो इसीलिए एक्सेसिव डेट कैन किल कंपनीज इन टफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स। तो अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट खराब हो रहा है तो आपको देखना चाहिए कि अगर आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो उसके अंदर डेट पोर्शन बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी आपको टोटल पिक्चर नहीं बताता है, इसीलिए आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी चेक करना चाहिए, ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कितने रिटर्न है वो बताता है। इसीलिए आपको हमेशा सारी फाइनेंशियल रेशियो स्टडी करनी चाहिए, किसी एक रेशियो पर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए ये तो हो गई बात कैपिटल स्ट्रक्चर की, अब मैं आपको कंपनीज को हमें कैसे कंपेयर करना है वो भी एक बार हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक कंपनी है, जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल है वही ले लेते हैं। तो एक कंपनी के ये जो हमने 42 लाख तो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला था, और हमने ये जो टोटल इक्विटी निकाली थी, तो टोटल इक्विटी को हम नेटवर्थ भी कहते हैं, याद है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये जो हमारी टोटल नेटवर्थ है ये हमारी 2 करोड़ है, 200 लाख है। अब एक दूसरी कंपनी हम स्टडी करके देख लेते हैं। दूसरी कंपनी में मान लीजिए ये जो इनिशियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ये 1 करोड़ का आया, तो यहाँ पे तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इससे इंटरेस्ट पोर्शन भी लेट से ये कम पे करती है, खाली 10 लाख का हर महीने हर साल पे कर रही है अपना इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 90 लाख आ जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। फिर टैक्स जो है 30% लग जाता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका जो है 63 लाख हो जाता है। तो दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी 2 का ज्यादा है, तो नेचुरली ये भी एक अच्छी चीज है। अब हम यहां पे स्टडी करते हैं कि ये जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है कितने इक्विटी पे, कितनी कैपिटल के ऊपर कमा रही है। तो शेयर कैपिटल लेट से यहां पे इसकी 1.5 करोड़ रुपए लगी हुई है, और रिजर्व्स इसके पास लेट से 2 करोड़ के हैं। प्रेफर्ड इक्विटी इसके अंदर 0 है, कोई प्रेफर्ड स्टॉक इन्होंने नहीं इशू किया है। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल नेटवर्थ इसकी कितनी हो गई, टोटल इक्विटी यहाँ पे 3.5 करोड़ की हो गई। तो अब अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी केस वन में निकालेंगे तो वो तो हमने पहले भी निकाली थी कि हमने 42 लाख को 200 लाख से डिवाइड किया था, तो हमारी 21% की रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आई थी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी हम सेकेंड केस के सेकेंड कंपनी के अंदर निकालेंगे तो हम 63 लाख को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये नेटवर्थ कितनी है यहाँ पे,
3.5 करोड़ है, तो यहां पे 350 लाख मैं कर देता हूं, तो ये हमारे कितने रिटर्न्स आ गए यहां पे 18%। तो आप कंपनी का जब कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई देखिए यहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी कम आ रहा है ये जो दूसरी कंपनी है, दैट मींस ये जो इसके पास कैपिटल इतनी ज्यादा है ये इसको ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, रिटर्न्स अच्छे नहीं कमा पा रही है, जबकि इसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, ये जितने प्रॉफिट कमा पा रही है वो उतने सफिशिएंट नहीं है। अगर इसको 21% के रिटर्न्स कमाने हैं तो इसको अपना प्रॉफिट बढ़ाना होगा, उस कैपिटल को थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। तो अगर आप खाली रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो नेचुरली यहां पे पहली कंपनी की के रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर है, बट यहां पे आपकी जो रिसर्च है वो खत्म नहीं होती है। जैसा हमने पहले देखा था, आपको बाकी के फाइनेंशियल रेशियोज भी देखने चाहिए, तो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखना चाहिए। तो हो सकता है यहां पे ये जो डेट है, डेट पोर्शन हो सकता है इस कंपनी का काफी ज्यादा हो, बैड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इस कंपनी को लॉस भी हो सकता है। चलिए यहां तक तो आपको आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा रिटर्न ऑन इक्विटी का। अब मैं आपको क्विकली दिखा भी देता हूं कि आप ऑनलाइन ये सारी चीजें कैसे चेक कर सकते हैं और डिफरेंट कंपनीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने इन्फोसिस के बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स निकाल लिए हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोई भी कंपनी, तो आप किसी भी कंपनी के शेयर्स या फाइनेंशियल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आ जाते हैं फाइनेंशियल्स में, हम बैलेंस शीट पे गए हैं पहले क्योंकि अभी हम टोटल इक्विटी निकालना चाहते हैं, टोटल इक्विटी कितनी है। तो टोटल इक्विटी क्या होती है आपकी, ये टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं, या आपकी टोटल नेटवर्थ मान लीजिए या टोटल इक्विटी मान लीजिए। तो ये आपके कितनी आ रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर दिया गया है, ये आपकी आ रही है 63,502 करोड़। अभी हम ये मार्च 2018 की बात कर रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे इक्विटी मिल गई। अब दूसरी क्या चीज़ चाहिए हमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, वो आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये कितना निकल के आ रहा है, 16,155 करोड़। तो अब अगर हमें रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना होगा तो हम ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 63,502 करोड़ का जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स आया था उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया इस केस में, 16155। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया डिवाइडेड बाई 63,502 करोड़। हमने चेक किया था हमारा टोटल इक्विटी था, तो अब अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 25.44%। देखिए अब ये रिटर्न ऑन इक्विटी आप इस तरीके से मैनुअली तो निकाल ही सकते हैं, बट आज की डेट में आपको सारी रेशियोज ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे रेशियोज पे जाएंगे तो आपको ये सारी रेशियोज ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही से निकाला है कि नहीं। तो ये देखिए रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन इक्विटी एक ही चीज है, 25.44%, यहाँ पे भी हमारा मैच हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी मैनुअली तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, बट ये वीडियो का मेन पॉइंट कैलकुलेशन समझाना नहीं था, उसका इंटरप्रिटेशन ज्यादा जरूरी है। तो हमने वो देखा था कि डेट रिड्यूस करके कई बार रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाने की कंपनी कोशिश करती है, तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ बाकी की रेशोज भी चेक करनी चाहिए। तो ये देखिए आपको सारी की सारी यहाँ पे रेशोज मिल जाती हैं, ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज यहाँ पे ऑटोमेटिकली दी गई हैं। अब उसके बाद आप इनको दूसरी कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ TCS का देखें तो TCS की रेशोज में जाके देखते हैं कि TCS का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कितना है, मतलब इन्फोसिस के मुकाबले अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ देखिए ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ या इक्विटी TCS का आ रहा है 33.27%। तो दैट मीन्स जो इक्विटी कैपिटल के ऊपर रिटर्न्स मिल रहे हैं वो TCS में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो TCS अपनी कैपिटल को ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज कर पा रही है प्रॉफिट बनाने में। तो आउट ऑफ द टू आई थिंक अगर हम खाली रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो TCS बेटर स्टॉक है। हाँ नेचुरली अब ये प्राइस कितना है वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी होंगी, बाकी की रेशियोज भी हमें देखनी होंगी, तो वो एनालिसिस हमें डेफिनेटली करना है। तो आई थिंक आपको ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कंपेयर करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, ये इस वीडियो में जरूर समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोज में हम बाकी के रेशियोज देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे एक्चुअली इस वीडियो को बनाने में काफी मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए, या आप अपना और भी कोई विचार शेयर करना चाहते हैं कम्युनिटी के साथ, तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं हर रोज इस तरीके के फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।